अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ना एक्चुअली मैंने ना हम लोगों ने ग्रुप्स में डिस्कस भी किया था कि ना लेक्चर नहीं हो रहा एससीपी का, तो सारे बच्चे कहते हैं कि अभी किसी का भी नहीं हो रहा। मैंने आपका भी पूछा कि कोई बच्चा है, तो सबने कहा कि नहीं अभी हो ही नहीं रहा। तो वो 2 लेक्चर्स हो भी गए हैं, वो तो मैंने वैसे ही अटेंडेंस चेक कर रही थी, तो वो मुझे पता चला कि मेरी एब्सेंट मार्क हुई हुई है, तो मुझे पता चला कि क्लासेस हो रही है, फिर मैंने आपको मेल की थी। तो बेटा क्लासेस तो स्टार्ट हुई है 2 वीक्स से, मतलब अब तो खैर हम लोगों के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, बीच में 2 लेक्चर जो है वो नहीं हुए। ठीक है, आप ये के पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैंने उस पे LMS पे अपलोड की हुई है, आप वो सुन लीजिएगा। ठीक है, उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा अटेंडेंस का, फिर हम लोग देख लेंगे उसको क्या करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने मेकअप लेक्चर्स भी लेने हैं, तो आई गेस के उसमें फिर वो पूरी हो जाएगी, आपके 10 लेक्चर्स हैं वो मैंने पूरे करने हैं। ठीक है, तो जी ठीक है मैम, लेकिन फिर अटेंडेंस के बता रही ना, मेकअप लेक्चर्स रखूंगी तो वो उसमें आई थिंक कवर हो जाएगा, तो मुझे नहीं समझ आती आप लोगों को क्यों नहीं पता चला। मतलब क्लासेस तो स्टार्ट सबके साथ ही हुई है, यानी सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठी हुई है, तो मैम यही बात हो रही थी ना। हाँ, तो मेरे पास जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको तो पता है इस चीज का कि क्लासेस हो भी रही हैं, उनके लेक्चर्स भी वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, उनके मतलब लिंक्स भी वहाँ पे शेयर्ड हैं सबके। तो मैम मुझे मेल भी नहीं आई आपकी कोई, मुझे तो अच्छा मेल भी नहीं आई थी। ईमेल्स का ये है कि मैंने आप जो लेक्चर्स जो है वो जिनका मैंने मेकअप रखना था, मैंने उन लेक्चर्स के लिए ईमेल की थी। इससे पहले तो मैंने बच्चों को शायद बायगस को एक आधी ईमेल ही की है कि आप लोगों ने। नहीं मैम वो भी नहीं आई मुझे वो भी नहीं आई जो आपने मेकअप लेक्चर्स की कह रही है। फिर ये अच्छा फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप मेरे पास जो है वो LMS पे भी एनरोल्ड नहीं हो। ठीक है, मैं LMS पे तो हूं मैं एनरोल्ड। फिर आपको ईमेल कैसे नहीं गई? ये तो नहीं हो सकता कि आपको ईमेल ना गई, क्योंकि वही सारे बच्चे मेरे पास मेरे उसमें है कॉन्टेक्ट में है जो बच्चे मेरे पास LMS में एनरोल्ड है। पता नहीं मैम, मैं तो डेली अपना वो इवन मैंने नोटिफिकेशन पे ईमेल लगाई हुई है, मुझे पता चल जाता है किसकी मेल आई है, तो वो तो मुझे आपका फौरन, मैं तो खुद वेट में थी कि अभी तक क्यों नहीं क्लासेस हो रही। नहीं मुझे इस चीज़ का मतलब कोई आइडिया नहीं कि आपको ईमेल क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे LMS पे एनरोल्ड हैं वही बच्चे मेरे पास मेरे गूगल कॉन्टेक्ट्स में हैं और उन्हीं को ईमेल जाती है। ठीक है, वो अलहदा से आपका नाम मुझे नहीं आइडिया, मैं खैर LMS पे एक दफ़ा चेक कर लूँगी। ठीक है, आप एक दफ़ा मुझे ईमेल जो है वो जो आपने ईमेल की थी उसके नीचे ये ईमेल दोबारा कर देना, ताकि मैं उसको देख लूँ। क्या मुझे ये लग रहा है कि शायद आप LMS पे भी एनरोल मेरे पास नहीं हो, शायद किसी और सेक्शन में ना एनरोल हो गए हो। मेबी मैम वैसे आपका ही नेम लिखा हुआ है, तो शायद चल ठीक है मैम आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ मैं उसको देख लूंगी। ओके थैंक यू सो मच मैम। फिर मैम अटेंडेंस मार्क कर देंगी? अटेंडेंस आओ जब मैं मेकअप लेक्चर्स लूंगी, तो अगर आप लेक्चर्स लेंगी तो फिर मैं उनकी तो मार्क कर दूंगी जो पिछले लेक्चर्स मिस हुए हैं, फिर बाद में जब रह गए हैं उनका फिर देखते हैं क्या करना है किस तरह से लेके जाना। ओके मैम थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा जी, पेशेंट सेफ्टी पढ़े हैं हम लोग, पेशेंट सेफ्टी 1 का हम लोगों के लेक्चर्स हो रहे हैं। इसमें जो हम लोग अभी तक हम अपने 2-3 लेक्चर्स कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास जो पेशेंट सेफ्टी है उसका क्या रीजन है, वो हमारे पास पेशेंट सेफ्टी नाम की एक फील्ड जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों का जो पेशेंट सेफ्टी का एक जो मॉडल है, यानी हम लोग पेशेंट सेफ्टी को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसका मकसद क्या है, वो कुछ हमने फैक्टर्स देखे थे। फिर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, हम लोगों ने कुछ मॉडल्स देखे थे, उसमें हमने स्विस चीज मॉडल देखा था कि आप लोगों ने हम लोगों ने बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल किस तरह से कोशिश ये करनी है कि एरर्स का जो हमारे पास चांस है, जो गलतियों का चांस है हमारे पास हमारे यानी इस फील्ड के बीच में, वो कम से कम हो, और अगर जस्ट इन केस अगर कुछ ना की मिस्टेक हो जाती है तो जो उस मिस्टेक की वजह से जो उसका आउटकम है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कम से कम हो, पेशेंट को नुकसान ना हो। ठीक है जी, इसका सारा जो एक
क्या कहते हैं जो पॉइंट था हमारे पेशेंट सेफ्टी के जो सब्जेक्ट का वो यही था. इसके बाद हम लोगों ने उसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह स्टडी की थी. हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम्स अप्रोच क्या होती है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं. फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, उसकी क्या हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड होती है. सारा कुछ पिछले लेक्चर्स में मौजूद है, आप लोग एक दफा उनको स्टडी कीजिएगा. क्वेश्चंस भी आप लोगों के उसी के बीच में से इसी तरह से बनेंगे, ठीक है, तो उनको एक दफा देखिएगा. आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वो है बीइंग एन इफेक्टिव टीम प्लेयर, यानी आप एक अच्छा इफेक्टिव टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये बात की थी कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है आपके इतने सारे जो है वो अगर आप एक हॉस्पिटल की बात करो, एक हॉस्पिटल के सिस्टम की बात करो, तो उसमें वो कभी भी एक बंदा रन नहीं कर रहा होता. उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मैनेजमेंट से लेकर आपका जो जेनिटोरियल स्टाफ है वहां तक जो आपके सारे लोग हैं वो सारे उसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी. अब ये चीज है कि अब ये सारे एज अ टीम वर्क एक्ट करते हैं. इन्होंने डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, आपके जो टेक्नीशियंस हो गए, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, जो सारे ये एज अ टीम की तरह ये काम करते हैं पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए. अब आपके पास ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप खुद एक इफेक्टिव टीम प्लेयर किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है जी. अब हमारे पास जो इसके मुझे बता दीजिएगा अगर स्लाइड चेंज ना हो तो, ठीक है. अब जो हम लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन हेल्थ केयर. ये जो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस है आपके पास हेल्थ केयर में, आपने वो देखनी है वो क्या है. फिर टू नो हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर, कि आप खुद एक इफेक्टिव टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं. फिर ये कि टू रिकॉग्नाइज यू विल बी अ टीम मेंबर एज अ मेडिकल स्टूडेंट, कि आपने अपने जो आपका एक रोल है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपने भी एक टीम मेंबर बनना है, आपने भी एक टीम प्लेयर बनना है, तो आपने अपने रोल को रिकॉग्नाइज करना है, अपनी इंपॉर्टेंस को देखना है. नॉलेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ इसमें हमारे पास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो किन चीजों की होनी चाहिए, कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम इन हेल्थ केयर, कि आपकी हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो उसमें टीम्स जो है वो कितने टाइप्स की हैं. फिर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीम्स, यानी जो इफेक्टिव टीम्स होती हैं उनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो किस तरह से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल सकती हैं. फिर हाउ वंस वैल्यूज एंड अजम्पशंस अफेक्ट इंटरेक्शन विद अदर्स, के कुछ आप लोगों के आपस के जो वैल्यूज हैं और जो एक दूसरे से रिलेटेड जो अजम्पशंस हैं, वो जो इंटरेक्शन है आप लोगों का, वो उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी. ये कुछ चीजें हम लोगों ने देखनी है. फिर हमने देखना है कि द रोल ऑफ टीम मेंबर्स एंड हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट टीम इंटरेक्शंस, यानी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर इन्वॉल्व हैं या जो टीम मेंबर्स के रोल हैं वो किस तरह से होने चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन टीम्स, अगर कोई चेंज आता है टीम्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, किस वजह से एक्सेप्ट नहीं करती हैं. द रोल ऑफ द पेशेंट ऑन द टीम, जो आपका पेशेंट है उसका आपकी टीम पे, टीम के बीच में उसका क्या रोल है. अच्छा जी, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है जी, कि यूजिंग द फॉलोइंग टीम वर्क प्रिंसिपल्स टू प्रमोट इफेक्टिव हेल्थ केयर, कि आपने जी मैम ये पिछली स्लाइड्स काइंडली दोबारा रिपीट कर दें, डिस्कनेक्ट हो गया था. कौन सी वाली, नॉलेज रिक्वायरमेंट वाली? यस मैम. अच्छा, नॉलेज रिक्वायरमेंट में बेसिकली ये है कि जो चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए वो हम लोगों ने यही देखना है कि हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीम वर्क है हेल्थ केयर में वो कौन कौन सी हैं, जो आपकी इफेक्टिव टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ताकि वो एज इफेक्टिवली काम कर सके. फिर हमारे पास ये है कि जो आपके आपस के वैल्यूज या अजम्पशंस हैं वो जो आप लोगों के इंटरेक्शंस को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं आपस के इंटरेक्शंस को. फिर ये है कि द रोल ऑफ टीम मेंबर्स एंड हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट टीम इंटरेक्शंस, के जो टीम मेंबर्स हैं उनका रोल क्या है, और जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोग देखेंगे वो आपस के इंटरेक्शंस को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं. फिर हम लोगों ने देखना है कि द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन टीम्स, कि अगर कोई चेंज किसी तरीके का भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो टीम्स के ऊपर क्या होता है, पेशेंट का रोल क्या है टीम्स के ऊपर. अच्छा जी, अब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, कि यूजिंग द फॉलोइंग टीम वर्क प्रिंसिपल्स टू प्रमोट इफेक्टिव हेल्थ केयर, कि आप जो टीम वर्क रिलेटेड हम प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे तो आप उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से अपने यूज में लाएंगे, और जो एक आपका जो प्रॉपर सिस्टम चलाने के लिए कैसे हेल्प करेंगे, जो आपका एक इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए. यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन टेक्निक्स कैसे होनी चाहिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स किसी तरीके के होते हैं आप उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, म्यूचुअल सपोर्ट आपकी जो है उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो किस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो. फिर चेंजिंग एंड ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स, के लोगों के जो चेंज या बिहेवियर्स हैं आप उनको किस तरह से जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको लेकर चल सकते हो और उनको ऑब्जर्व आप कर सकते हो.
अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज आती है कि व्हाट इज अ टीम। टीम होती क्या है? टीम बेसिकली क्या है? टीम इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, के दो या दो से ज्यादा लोगों की आपके पास टीम बनती है। अब ये इंडिविजुअल्स कौन से होंगे, क्या करेंगे, जो के दे इंटरेक्ट डायनामिकली, एक दूसरे से डायनामिकली इंटरेक्ट करेंगे, हैव अ कॉमन गोल मिशन, उनका या तो कोई कॉमन गोल होगा, एक मिशन होगा, उन्होंने उसको अचीव करना होगा, उसी की तरफ वो सारे वर्क कर रहे होंगे, हैव बीन असाइंड स्पेसिफिक टास्क, उनको स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे। ठीक है जी, अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अगर सपोज करें कि अगर आप अपने एचआर डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है, इसमें अब हर बंदे का डिफरेंट रोल है। कोई बंदा जो है वो रिक्रूटमेंट्स को देख रहा है, कोई बंदा जो है वो उन लोगों को देख रहा है जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो उनके बेनिफिट्स वाला जो सीन होता है, वो कोई पर्सन उनके लिए अपॉइंट किया हुआ है, उसका अपना टास्क है, उसने अपना काम करना है। कोई बंदा सैलरीज को देख रहा है, उस बंदे ने सैलरीज के बारे में सारा जो भी मसले होते हैं उसको सॉल्व करना है। इस तरह से जो है ये सारा जो काम है ये एक टीम मिलकर करती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो इसी तरीके से है। दे हैव बीन असाइंड स्पेसिफिक टास्क, उनको स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं, एंड पोजेसेस स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, के हर बंदे के पास अपनी स्पेशलाइज्ड या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। अब अगर हम चलो एचआर की एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, तो अब इसमें हमारे पास वो स्किल्स वाले बंदे हैं जिनको जैसे अब आजकल का सिस्टम है, उनको नेटवर्क्स यूज करने आते हैं, उनको इंटरनेट यूज करना आता है, उनको जो आप लोगों की मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट के जो सारे हैं प्रोग्राम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, इनको वो यूज करना आता है। आप कोई रैंडम राह चलते बंदे को आप उठा के एचआर में नहीं बिठा सकते, यानी ये वो लोग ही हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं अपनी अपनी चीजों के लिए, अपने अपने टास्क के लिए, उनके पास डिग्रीज हैं वो वाली, उनका एक्सपीरियंस है वो वाला, तभी वो एक पोजीशन पर बैठकर वो अपना काम करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के लोग यानी आपके पास ही मिलकर एक टीम बना रहे हैं। अच्छा जी, अब ये एडवर्डो सेलेस एक पर्सन है, ये बेसिकली और जो है ये बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में ह्यूमन फैक्टर की बात की थी कि इकोनॉमिक्स नाम से भी हमारे पास एक फील्ड है जो कि इसी चीज के ऊपर काम करती है। तो ये बेसिकली उसके बहुत बड़े राइटर भी हैं, काफी बुक्स भी हैं इनकी। उन्होंने जो टीम की डेफिनेशन दी थी वो ये थी कि आर डिस्टिंग्विशेबल सेट ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट डायनामिकली, इंटरडिपेंडेंटली एंड अडेप्टिवली टूअर्ड द कॉमन एंड वैल्यूड गोल या ऑब्जेक्टिव या मिशन, हु हैव बीन ईच असाइंड स्पेसिफिक रोल्स और फंक्शंस टू परफॉर्म एंड हु हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ मेंबरशिप। यानी अब ये सारी चीजें जो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं ये उन्हीं को एज ए ये बेसिकली आपके पास आपकी टीम की डेफिनेशन है कि उसने क्या करना है, आपस में इंटरेक्शन करना है, डायनामिकली इंटरेक्शन उनका होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई से भी अगर आप दो से तीन लोग अपनी पोजीशन से हटा दोगे तो आपका एक सारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि उनका एक कॉमन गोल है। कॉमन गोल क्या है कि जो भी उनका डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको स्मूथली रन करना है। ठीक है जी, अगर मतलब मंथ अगर आप सैलरीज की चलो बात कर लो, अगर एक मंथ में उन्होंने सारा उसको स्मूथली रन करना है, अगर कोई बंदा उसमें से मिसिंग है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो काफी जगहों पर किन किन लोगों को आगे से मसले आ सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा ये है कि हु हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ मेंबरशिप, यानी वो लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ मेंबरशिप से मुराद ये है कि वो यानी एक टाइम तक काम करेगा और उसके बाद वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ही आपके पास आपकी एक टीम की डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है। अगर आपने उसके खाली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पिछले स्लाइड में। अच्छा जी, अगली चीज है आपके पास कि व्हाट टाइप्स ऑफ टीम डू यू फाइंड इन हेल्थ केयर। अब अगली चीज आपके पास ये है कि हेल्थ केयर की जब आप बात करते हो तो आपको किस टाइप की टीम्स मिलती है। अच्छा जी, अब ये टीम स्टेप्स नाम से आपके पास जो है वो एक पूरा प्रोग्राम है, इनकी बुक्स भी हैं काफी सारी टीम स्टेप्स की। इन्होंने बेसिकली टीम वर्क से रिलेटेड और जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड काफी काम किया है। आप अगर इंटरनेट पर इनके बारे में सर्च करेंगे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। तो इन्होंने जो टीम की टाइप्स को हेल्थ केयर में जो डिफाइन किया था वो ये था कि आपकी जो टीम्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक आपके पास हेल्थ केयर में कोर टीम होती है, फिर आपके पास कोऑर्डिनेटिंग टीम होती है, फिर कॉन्टिजेंसी टीम होती है, फिर एंसिलरी सर्विसेज या सपोर्ट सर्विसेज की एक टीम होती है, और फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये आपके पास जो पांच जो आपके पास टीम्स हैं ये सारी आपके मिलके आपके जो पूरा एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाती है। ठीक है जी, अब अगर हम आगे देखते हैं तो वो बुक है, टीम स्टेप्स प्रोग्राम है बेसिकली, इनकी बुक्स हैं, इन्होंने बुक्स लिखी हुई है काफी सारी, ये वर्क करते हैं इसी चीज के ऊपर। ठीक है, इनकी बुक्स भी है ये, अगर जो टीम वर्क से रिलेटेड जो स्पेसिफिक फील्ड होती है लोग पढ़ते भी हैं तो इन्होंने उससे रिलेटेड काफी काम किया हुआ मिलकर,
और अगर आप इनको इंटरनेट पर सर्च भी करोगे तो आपको काफी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी के मतलब ये टीम के बारे में क्या आपके एक इफेक्टिव उसमें होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो वर्कशॉप्स होती हैं इस तरह से वो भी ये भी अरेंज करवाते हैं, और ये सारा ये समझाने के लिए यही चीज है ना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेके चल सकते हो। तो ये टीम सर बेसिकली एक ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। और इनके आगे से फिर फर्दर इनके काफी बुक्स भी हैं, इनके प्रोग्राम्स भी हैं, इनके कोर्सेज भी हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं। अच्छा जी, अभी टीम स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है आपका जो टीम का स्ट्रक्चर है पेशेंट केयर के लिए वो क्या है, अभी हम लोगों ने बात की थी। इसमें हमारे पास एक कोर टीम है, कोर टीम में आप कौन से लोग आएंगे, कोर टीम में आपके जो फिजिशियंस हैं, ठीक है, वो आएंगे जिन्होंने डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, वो लोग आएंगे। अब इसमें आप सबसे ऊपर देखो तो आपका जो पैरामिड बना हुआ है उसमें सबसे ऊपर पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अब आपके पास आपकी कोर टीम है, कोर टीम में वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली पेशेंट के साथ इन्वॉल्व है, डायरेक्टली पेशेंट के साथ लिंक्ड है। उसके बाद अब आपके पास कोर टीम के साथ अगर आप देखो तो आपको कॉन्टिजेंसी टीम मिल रही है। कॉन्टिजेंसी जो टीम है वो बेसिकली आपकी इमरजेंसी सर्विसेज वाली टीम है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई ना कोई इमरजेंसी है, आपके हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इमरजेंसी का भी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी है, अगर ये मतलब ये समझ लो कि कोई भी अगर डिजास्टर आपके पास हो गए, जल्जिले सलाब वाले लोग हैं इस तरह के जो उन लोगों को जो डील कर रहे हैं वो आपके पास आपकी कॉन्टिजेंसी टीम में, किसी भी तरीके की इमरजेंसी अगर आपके पास होगी तो वो टीम भी आपके पास आपकी कोर टीम का हिस्सा बन जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेटिंग टीम्स और एंसिलरी सपोर्ट वाली टीम्स आ रही हैं। ये वाली टीम्स वो हैं, इसके बीच में वो लोग आ रहे हैं, इसमें आपकी फार्मेसी के लोग आ रहे हैं, इसमें आपके जो भी स्टाफ है जो कि आपका ये समझ लो कि जो आपके टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह है वो आ जाते हैं, आपके टेक्नीशियंस होते हैं वो इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। यानी जो भी सपोर्टिंग स्टाफ आपके हेल्थ केयर में होना चाहिए वो आ जाता है। एंसिलरी सपोर्ट का भी यही है कि वो भी आपके पास वही लोग हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में और वो पूरा आपके पास एक सिस्टम चला रहे हैं। फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आपके मैनेजमेंट के लोग आते हैं सारे कुछ वो है, वो आपकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उधर से लेकर, वहां से मतलब बोर्ड जो डिसीजन लेता है उनसे लेकर जो आगे आपके सारी जो एक मैनेजमेंट वाले लेवल की जो सारी डिस्कशन है वो इन्होंने करनी होती है। तो इस तरह से आपके पास अगर पेशेंट केयर की भी बात करो तो आपके पास एक प्रॉपर एक मल्टी टीम सिस्टम है। अब इसी तरह का सिस्टम जो है आपके बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अच्छा जी, हाउ डू टीम्स इंप्रूव पेशेंट केयर, क्या टीम जो है वो पेशेंट केयर को कैसे इम्प्रूव करा रही है, हमने टीम तो बना ली, अब हम ये है कि वो पेशेंट केयर को किस तरह से इम्प्रूव करवाएगी और उसका क्या फायदा है। टीम्स रिप्रेजेंट अ प्रैग्मेटिक वे टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, टीम्स आपके पास एक प्रैग्मेटिक वे देती है कि आप पेशेंट केयर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। टीम्स कैन इम्प्रूव केयर एट द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टीम्स अब आपके पास जो है आपकी पेशेंट केयर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस किस लेवल पे कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, पेशेंट आउटकम या सेफ्टी के लेवल पे, यानी पेशेंट जो है उससे रिलेटेड जो भी आउटकम्स हैं, ये पेशेंट सेफ्टी है उससे रिलेटेड जो है कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे अगर एज अ टीम आपकी काम करेगी और वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, जो भी आपके एरर्स की वजह से जो भी आउटकम्स हमारे पास आने होंगे इनको इम्प्रूव करवाएगी, जो है वो टीम एज अ होल काम करेगी, एज अ होल काम करेगी, सारा जो सिस्टम है वो इफेक्टिवली चलेगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आपका सिस्टम एक स्मूथली रन कर रहा है। टीम जब एज अ होल काम करेगी उससे भी आपका जो सिस्टम है पेशेंट केयर का वो इम्प्रूव होगा। फिर जो इंडिविजुअल टीम मेंबर है, अगर हर बंदा भी अपने पार्ट का, अपनी ड्यूटी का काम जो है वो अच्छे तरीके से करेगा, उससे भी आपकी जो पेशेंट केयर है वो एज अ होल ओवरऑल ही जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो है मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी आपके पास जो हेल्थ केयर टीम है उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं। चार पोटेंशियल मॉडल्स हैं आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए। दीज मॉडल ऑफ प्रोफेशनल इंटरेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एज फॉलोज। अब आपके पास जो ये चार मॉडल्स हैं ये अब क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि आपस में जो टीम्स हैं उनका इंटरेक्शन किस तरह का होगा, वो आपस में किस तरह से कोलैबोरेट करेंगी, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे, और फिर इस तरह से आपके पास जो है वो मॉडल्स बन गए। अब सबसे पहले आपके पास आती है जो फर्स्ट नंबर पर है वो इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, पहला मॉडल ये है। इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट में क्या चीज आती है कि वन प्रोवाइडर वर्क्स इंडिपेंडेंटली टू एड्रेस ऑल ऑफ द पेशेंट या क्लाइंट्स इशू, यानी सिर्फ एक प्रोवाइडर है उसने इंडिपेंडेंटली काम करना है, किसी के अंडर नहीं है वो, उसके पास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके पास कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उस अकेले ने ही काम करना है, उसने जो भी पेशेंट है जो क्लाइंट उसका है उसको उसके इशूज को उसने रिजोल्व करना है।
द प्रोवाइडर वर्क्स ऑटोनोमसली विद लिमिटेड इनपुट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स, यानी ये अकेला ही काम कर रहा है, इसकी जो अपनी एक ये समझ लो कि अजारादारी जिसको कहते हैं कि वो अपने हक से काम कर रहा है, ऑटोनोमस है बिल्कुल, अपना एक अलहदा वो इदारा उसने बनाया हुआ, वो खुद काम कर रहा है, और ये कि जो बाकी प्रोफेशनल है उधर से उसको बहुत लिमिटेड सा इनपुट मिल रहा है, ठीक है, यानी वो खुद ही सब कुछ देख रहा है। इसके एग्जाम्पल्स में आपके पास जो आपके पेरीफ्रीज में या जो रूरल एरियाज हैं आपके लाहौर के आसपास वाले एरियाज हैं, या वैसे भी अगर आप जनरली भी बात करो तो उन एरियाज के बीच में जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे डिस्पेंसरीज भी होती हैं, यानी इस तरह का सीन होता है, वहां पे जो है कोई एक ही डॉक्टर होता है वही जो सब कुछ हैंडल कर रहा होता है, ठीक है जी, वो अपने डिसीजन खुद ही ले रहा होता है, उसी ने पेशेंट को मतलब हर तरीके से उसने हैंडल भी करना होता है, इंजेक्शन लगाना तो वो भी खुद ही लगा रहा है, ड्रिप लगानी है तो वो भी खुद ही लगा रहा है, मतलब हर काम वो खुद ही कर रहा है। तो आपके पास एक टाइप का जो मॉडल है वो ये आता है कि यानी इंडिपेंडेंस हेल्थ केयर मैनेजमेंट आती है, और ये जो है आपको हमारे यहाँ पे आपको इसकी एग्जाम्पल जो आपके जो पेरिफेरी के एरियाज हैं वहां पर मिलती है, ठीक है जी। सेकेंड टाइप का आपका जो मॉडल है वो है पैरेलल मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पेशेंट या क्लाइंट्स केस सच एज द थेरेप्यूटिक्स, रिहैब, एजुकेशनल या सोशल इश्यूज या सब्सटेंस अब्यूज आर हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली बाय द एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट्स rather than integrated care, the patient या client's problems are subdivided and treated in parallel with each provider responsible only for his or her own area. यानी अब इसमें आपके पास क्या है कि किसी भी पेशेंट की अगर कोई पेशेंट का केस है, ठीक है, उसमें आप उसको जैसे अब यही आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जैसे अगर वो थेरेप्यूटिक्स है या थेरेप्यूटिक्स या रिहैब है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई है, सोशल इश्यूज का कोई है या कोई सब्सटेंस अब्यूज का प्रॉब्लम है, ये सारे जो मसले हैं ये इंडिपेंडेंटली हर इंडिविजुअल जो है वो अपने लेवल पे सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और हर बंदा अपने अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है और वो उसको, लेकिन ये सारे साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल के जो है वो एक पेशेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है जी। यानी ये सारा कुछ इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ये क्या है कि विद ईच प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिज और हर ओन एरिया, यानी हर प्रोवाइडर जो है वो अपनी ही जो उसकी स्पेशलिटी है वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। अब आपके पास एक सेकंड मॉडल हो गया, पहला मॉडल था इंडिपेंडेंट बिल्कुल काम कर रहा है, वो किसी मतलब सारा कुछ खुद देख रहा है, दूसरे नंबर पे ये है कि जो पेशेंट के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हर बंदा अपने स्पेशलिटी के हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है। थर्ड नंबर पे अब आपके पास आता है कंसल्टेटिव मॉडल, वन प्रोवाइडर रिटेन्स सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस इन पेशेंट हेल्थ केयर क्लाइंट केयर व्हाइल कंसल्टिंग विद अदर प्रोफेशनल्स एज नीडेड। कंसल्टेटिव मॉडल जो है, कंसल्टेटिव मॉडल जो आपके पास कब आता है कि आपके पास अगर कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जो एक यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो अकेला काम कर रहा है, अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर ली हुई है, और क्या किया हुआ है कि उसने उससे अगर पेशेंट से रिलेटेड जिस तरह के बाकी प्रॉब्लम्स हैं या जो बाकी उस पेशेंट के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, जिसमें वो खुद स्पेशलाइज नहीं है लेकिन और लोग हैं, वो उनके साथ जो है खुद से उनको इंटीग्रेट करा रहा है और उनको जो है उनके साथ खुद कंसल्ट कर रहा है जहां पर भी उसको जरूरत पड़ती है। एक हमारे पास ये कंसल्टेटिव मॉडल है, ये इस तरह भी होता है कि अब यूजुअली आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा, जैसे अब सपोज करेंगे कैंसर पेशेंट्स होते हैं तो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो भी डिसीजंस हैं वो हमेशा कभी भी एक जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या एक डॉक्टर या एक फिजिशियन कभी भी नहीं लेता, उनका प्रॉपर बोर्ड बैठता है, वो एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट एक्सपोजर होता है, वो अपने अपने जो है वो पॉइंट शेयर करते हैं कि इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर जाके आपके पास जो है वो पेशेंट की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव होती है। यानी अकेला जो डॉक्टर है या अकेला फिजिशियन होगा या अकेला जो आपके पास ऑन्कोलॉजिस्ट होगा वो अकेला डिसीजन नहीं लेता, यूजली जो इस तरह के जो स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि सारी बात है इतनी वास्ट डिजीज है तो उसको देखने के लिए आपके पास कंसल्टेटिव मॉडल, आप यानी इसके एग्जांपल में आप इसको देख सकते हो, ठीक है जी। अब फोर्थ नंबर पे आपके पास आ रहा है इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेटिव। अब ये क्या है कि प्रोवाइडर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस कोऑपरेट बाय एस्टैब्लिशिंग अ मींस ऑफ ऑनगोइंग कम्युनिकेशन विद ईच अदर एंड विद द पेशेंट या क्लाइंट एंड फैमिली टू क्रिएट अ मैनेजमेंट प्लान दैट इंटीग्रेट्स एंड एड्रेसेस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट या क्लाइंट्स हेल्थ केयर नीड्स। अब इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्रोफेशन से आपके पास जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आप ये क्या कर रहे हैं कि ये अब आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बाद ये पेशेंट के साथ उसकी फैमिली के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान बनाते हैं, मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, उसको जो है जिसमें उस प्लान के बीच में सारे जो पेशेंट के इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं,
और फिर जाके जो है आपका एक ये सिस्टम बन रहा है, यानी आपके इतने चार मॉडल हैं, ठीक है, उसमें से आप लोगों ने एग्जांपल्स के साथ बाकी सबको भी देख लिया कि वो क्या क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये आपके चार मॉडल हैं। हाउ डू टीम्स फॉर्म एंड डेवलप, अब टीम्स आपके पास बनती कैसे हैं और डेवलप कैसे होती हैं। टकमैन जो है ये भी आपके पास एक इसी तरीके के साइकोलॉजिस्ट ही हैं, उन्होंने जो है डिफरेंट स्टेजेस जो है वो आइडेंटिफाई की हैं टीम फॉर्मेशन की एंड डेवलपमेंट। अब इसमें अब आपके पास पांच स्टेजेस हैं इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने 1965 में उस तरह का काम किया था और इन्होंने इसके चीज को प्रोवाइड किया था कि टीम डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ठीक है जी। तो अब इसमें आपके पास पांच स्टेजेस आती हैं, सबसे पहले जो स्टेज आती है टीम बनाने की, यानी आप टीम अब बनाओगे कैसे, अभी तक हमने टीम की तारीफें भी कर ली, टीम के मॉडल भी देख लिए कि ये हो सकता है, लेकिन टीम बनेगी कैसे। टीम इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो फॉर्मिंग का है, कि फॉर्म अ टीम, सबसे पहले आपकी टीम बननी चाहिए। कैसे बनेगी, उसमें लोग इकट्ठे होंगे जो रिलेटिव है सॉरी रेलेवेंट है अपनी फील्ड के साथ, वो लोग होंगे। फिर स्ट्रॉमिंग होगी, पॉइंट्स नोट किए जाएंगे, इनको भी आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। नॉर्मिंग का एक आपके पास स्टेप आएगा, फिर आपके पास परफॉर्मिंग का स्टेप आएगा, उसके बाद आपके पास एडजर्निंग का स्टेप आएगा। ये जो पांच स्टेप्स हैं आपके पास, ये पांच जो स्टेजेस हैं, इनके बाद जाके आपकी इफेक्टिव टीम बनती है। अब ये आपके पास पांच स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या है कि टीम एक्वेंट्स एंड एस्टैब्लिशेस ग्राउंड रूल्स, यानी आप टीम मेंबर्स हैं, आप सारे नए लोग हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जी, क्या ऐसे ऐसे हम लोगों ने काम करना है। फॉर्मेलिटीज आर प्रिजर्व्ड एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रेंजर्स, फॉर्मेलिटीज बड़ा फॉर्मल सा एनवायरमेंट है और जो सारे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को एज अ स्ट्रेंजर ही ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि टीम फॉर्मेशन का, ये पहला स्टेज है। सेकेंड स्टेज जब आती है वो आपके पास स्टॉर्मिंग की है। स्टॉर्मिंग क्या है कि members start to communicate their feelings but still views themselves as individual rather than part of the team. अब अगले स्टेज में अब आपके पास क्या है कि members जो है वो अब एक दूसरे से जरा बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने views शेयर कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी भी वो एक दूसरे को एज ए इंडिविजुअल ही देख रहे हैं, अभी वो एक टीम की तरफ नहीं गए, वो अपने आप को एक टीम की नजर से नहीं देख रहे हैं, ठीक है जी। दे रिजिस्ट कंट्रोल बाय ग्रुप लीडर्स एंड शो हॉस्टिलिटी, अब ये आपके जो है ये इनको जो है जो ग्रुप के कुछ लीडर्स होंगे वो अगर इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको रिजिस्ट करेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल ही देख रहे हैं, बस सिर्फ ये समझ लो कि उनके आपस में थोड़ी सी दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो एक दूसरे को एक टीम मेंबर नहीं समझ रहे हैं, वो इंडिविजुअल ही समझ रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा जी, अगले स्टेज आपके पास नॉर्मिंग की आती है। अगला स्टेप क्या है कि पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ दे एक्सेप्ट अदर व्यू पॉइंट्स। नॉर्मिंग में अब क्या होता है कि लोग अब अपने आप को जो है वो एक टीम का पार्ट समझ रहे हैं, अब उनको ये ऐसा रियलाइजेशन होगी कि ये एक दूसरे के साथ काम करके अगर एक दूसरे के जो भी इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या अगर इनके आपस में जो नजरिए आपस में इनके नहीं मिलते हैं तो अगर ये उनको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जी, जब वो उनको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ही ये एक इफेक्टिव तरीके से काम कर सकेंगे। नॉर्मिंग में ये चीज आती है कि वो एक दूसरे को डिफरेंसेस, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे पहले ये नहीं कर रहे थे। फिर जो अगली चीज आती है वो आपके पास परफॉर्मिंग की आती है। परफॉर्मिंग में क्या है कि द टीम वर्क्स इन एन ओपन एंड ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज द की एंड हायरार्की ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस। अब आपके पास क्या है कि टीम जो है अब उसने अपने आप को टीम समझना शुरू कर दिया है, वो अब एक ओपन एनवायरनमेंट में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर बड़ा नीट एंड क्लीन सा है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबल हैं, एक दूसरे के व्यूज के साथ फ्लेक्सिबल हैं, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कर लिया है बल्कि उन्होंने। और यहाँ पे ये है कि आपकी जो हायरार्की है वो इज ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, हायरार्की का जो आपके पास इंपॉर्टेंस है वो काफी कम है। एडजर्निंग में क्या है कि द टीम कंडक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द ईयर एंड इम्प्लीमेंट्स अ प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग रोल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब आपके पास एडजर्निंग में क्या होता है कि जो आपकी जो टीम है अभी सारा काम कर रही है, साल भर जाके उन्होंने जब देखा कि अच्छा हमारी टीम पहले बनी, फिर उन्होंने एक दूसरे को समझने की करते करते सारा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अब एंड पे जो एक ये समझ लें क्या जब उनको फीडबैक देने का टाइम आता है, टीम जो है वो क्या करती है कि एक असेसमेंट प्लान बनाती है पूरे ईयर का और उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, फिर वो देखती है कि कौन कौन से जो जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी रही, हमारी टीम फॉर्मेशन में इफेक्टिवली वर्क करने में कितनी रही, और उसके बाद जो है उनको अच्छे तरीके से जो है वो उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन होती है उनको रिकग्नाइज किया जाता है। अभी इमेज में देखो कि जो मतलब अच्छा उनको टीम मेंबर लगा तो उन्होंने उसको जी कब पकड़ाया हुआ हाथ में, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका एडजर्निंग का स्टेप आता है, ये आपकी एक टीम डेवलपमेंट का लास्ट स्टेप है, ठीक है जी। ये पांच स्टेजेस हैं आपकी टीम डेवलपमेंट की, शुरू से होकर, यानी शुरू में बिल्कुल एक दूसरे से फेमिलियर भी नहीं है, अनजान से हैं, बस एक दूसरे जो मैम जो ये लास्ट वाला पॉइंट है इसमें उन्होंने टीम लीडर बनाया ना,
टीम लीडर नहीं उन्होंने बनाया, उन्होंने ये किया है कि जो भी लोग एक टीम में इफेक्टिवली काम कर रहे हैं उन्होंने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट किया है, उनको रिकग्नाइज किया और उनको अप्रिशिएट किया है, ठीक है, उन्होंने लीडर नहीं बनाया, ठीक है जी, क्योंकि ये आप सिर्फ क्या कह रहे हैं कि जैसे पूरी टीम काम कर रही है, चलो ठीक है टीम में लीडर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, क्या हम कब से यही बात करें कि टीम जो है वो इकट्ठे काम करती है, ठीक है, और हर टीम में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो जरा हम सबको पता है कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है जी, तो उन्होंने बेसिकली उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करने का जो एक प्रोसेस है वो बनाया है, ठीक है, जो ज्यादा बेहतर काम करें उनको आप हर लेवल पे अप्रिशिएट करेंगे, वो और बेहतर काम करेंगे, तो इस तरह से एक सिस्टम आपका चलता है। What makes for a successful team? यानी अब आपकी जो एक सक्सेसफुल टीम है वो किस तरह से बन सकती है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। इफेक्टिव टीम पोजेसेस द फॉलोइंग फीचर्स, एक इफेक्टिव टीम के जो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जो उसके फीचर्स होने चाहिए वो ये है कि अ कॉमन पर्पस, उनका गोल एक होना चाहिए, मेजरेबल गोल्स हैं, इस तरह के गोल्स होने चाहिए जो कि अचीवेबल हों, ये इस तरह मतलब हवाई ना हो कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, इस तरह के मतलब एक प्रॉपर अप्रोच के साथ मेजरेबल गोल्स होने चाहिए कि ये काम हम लोग अचीव कर लेंगे, हम अगर इकट्ठे काम करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, पर्पस इनका कॉमन होगा, मेजरेबल गोल्स होंगे, इफेक्टिव लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उनके बीच में लीडरशिप क्वालिटीज भी होंगी, ठीक है जी, और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के भी जो है वो खसूसियात भी होंगी कि अगर वो कुछ ना के मसले आ जाते हैं जिसमें उनके आपस के नजरिए एक दूसरे से नहीं मिल रहे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं एक दूसरे से मिल रहे, तो उसको जो है वो रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि वो आपस में लड़ेंगे। गुड कम्युनिकेशन है उन टीम मेंबर्स की, जो है वो आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है वो डायरेक्टली दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर ये काम किसी जगह पे किसी बंदे ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं किया तो आप उससे बात करें, तो तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो तो हमारा सिस्टम आगे चलेगा, बजाय कि वो उसके बारे में बातें करें, पीछे से जाकर किसी को कहें यार वो देखो उसने अपना काम नहीं किया, दूसरों को जाकर बातें करें, उससे बेहतर है कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन अच्छी हो, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को मतलब अंडरस्टैंड करवाएं ये चीज़ के हम एज अ टीम प्लेयर जो है वो हम काम करें तो हमने इकट्ठे चलना है। फिर आपके पास गुड कोहेजन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जी, एक दूसरे के साथ उनकी कोहेजन अच्छी है, उनका बॉन्ड अच्छा बन रहा है, उनकी आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। फिर सिचुएशन मॉनिटरिंग है, सिचुएशन को वो देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, उसको अगर बुरे तरफ जा रहे होंगे उनको टैकल किस तरह करना है, एक मिनट अच्छा जो है वो आपका कंटेनमेंट एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग है, इन्होंने अपनी मॉनिटरिंग भी करनी है, अपने आप को भी इन्होंने देखना है कि जी हमारे तरफ जो है अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करनी है, अपना इन्होंने खुद वो खुद एहतसाबी वाला जो काम होता है अकाउंटेबिलिटी वाला काम भी करना है कि जी हम ये सही नहीं कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, अगर एक अच्छी टीम है तो उसको ये भी करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी है, एक दूसरे के बिहेवियर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, एक दूसरे के लिए टाइमिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी चीजों के लिए कि वो एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करें कि अगर किसी बंदे ने किसी मजबूरी की वजह से अगर ये काम नहीं किया तो कोई और जो अगर उसकी टीम मेंबर है अगर वो उस टाइम पे फ्री है या वो अवेलेबल है अगर वो कर सकता है तो वो उसकी जगह पे काम कर दे, वो उसकी प्रॉब्लम को समझे, अगर वो वाकई उसी को बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो मतलब खुद फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करें, ना कि आप रिजिड होकर जो है वो बैठे रहें कि नहीं या मतलब ये तो मेरा काम ही नहीं है तो मैंने ये नहीं करना, ठीक है जी। ये कुछ चीजें जो आपकी एक टीम में होनी चाहिए। अच्छा जी, तो लीडरशिप में क्या है कि इफेक्टिव टीम लीडर कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट टीम वर्क बाय, अब जो आपके इफेक्टिव टीम लीडर हैं, टीम लीडर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, अब वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और जो टीम वर्क को जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि डेलीगेटिंग टास्क और असाइनमेंट्स, वो जो है टास्क को जो है वो डेलीगेट करेंगे स्पेशलाइज्ड लोगों को, असाइनमेंट्स को जो रेलिवेंट लोग हैं उन्हीं को देंगे, कंडक्टिंग ब्रीफ्स हडल्स डीब्रीफ्स, अब वो इस तरह की मीटिंग्स अरेंज करेंगे, वर्कशॉप अरेंज करेंगे, empowering team members to speak freely and ask questions, कि जो अपने जो team members हैं उनके बीच में इतना confidence उनको देंगे कि वो freely बात कर सकें, वो अच्छे तरीके से वो questions कर सकें, वो यानी ये ना हो कि वो डरे डरे रहें और बिल्कुल एक तरह से दब जाएं, इस तरह नहीं है, वो एक टीम का हिस्सा है, उनका पूरा हक है बोलने का, उसके बारे में बात कर लें। ऑर्गेनाइजिंग इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग फॉर द टीम, टीम के लिए जो है वो इम्प्रूविंग एक्टिविटीज जो है वो बनवाई जाएं, उनके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए, वही वर्कशॉप और सेमिनार्स वगैरह वाली बात होगी वो करवाई जाए ताकि टीम जो है वो बेहतर तरीके से लर्न भी करे और अपना काम भी करे। इंस्पायरिंग फॉलोअर्स एंड मेंटेन अ पॉजिटिव ग्रुप कल्चर, कि वो मतलब जो टीम लीडर है उसके बीच में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो जो लोग उसको देख रहे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये बंदा अगर टीम लीडर है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको इंस्पायर कर सके, उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करे और आपके पास जो ग्रुप कल्चर है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। यानी ग्रुप्स जो आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन अगर वो इफेक्टिव टीम लीडर होगा तो उसका क्या काम है कि वो जो ग्रुप कल्चर है उसको एज अ पॉजिटिव मीनिंग में लेकर आएगा कि मेरा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, बजाय कि वो उस तरह का कोई नेगेटिव ग्रुप बना दे जो काम कोई नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठीक है जी।
फिर उसके बाद लीडरशिप में और क्या चीज आती है कि एक्सेप्टिंग द लीडरशिप रोल, अपना जो लीडरशिप रोल है उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को लीडर समझें, कॉलिंग फॉर हेल्प अप्रोप्रिएटली, और जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम उनको फेस इस तरह की करनी पड़ रही है जो उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जो वो काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो हेल्प किसी से ले सकते हैं. कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें हर टाइम के भी क्या चल रहा है. वही बात है कि अगर आपका डिपार्टमेंट सही नहीं चल रहा तो किस तरफ, अगर आज इस तरह के हालात हैं तो अक्सर दो महीने बाद हालात जो वो इस तरह से और खराब हो सकते हैं, तो अभी इनको ठीक कर लेना चाहिए. ऐसी चीजें, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड मेकिंग डिसीजंस, अपनी जो जितने भी आपका जो भी उनके पास टास्क होंगे, जो भी उनके गोल्स होंगे, जो भी उनके पास जो पेंडिंग टास्क होंगे, उसके बीच में से प्रायोरिटीज सेट करें. वो जो काम देखें जो उनको पहले करने चाहिए, ना कि वो जो काम थोड़े से अभी अनइम्पॉर्टेंट है जो कुछ टाइम बाद भी हो सकते हैं वो उनकी तरफ लगे रहें, अपने डिसीजन अच्छे तरीके से लें. यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, के जो भी परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज किस तरह से किया जा सकता है, रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये काम करें. जो आपकी टीम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अगर कुछ लोगों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि आप अगर एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाते हो तो ये लड़ाई झगड़े नहीं रहते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाते हैं. यानी आप किसी की बात से आप एग्री नहीं करते हो, आप यानी सीधा कह देते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मैं तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी एक लीडर में होनी चाहिए. फिर बैलेंसिंग द वर्कलोड विद इन अ टीम, और जो वर्कलोड है उसको एक टीम के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा जो है वो अगर उसने अपनी टीम में देख लिया कि अगर उसकी टीम में पांच लोग हैं, पांच में से दो बंदे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दो बंदे जरा मीडियम है और एक बंदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो अब बजाय ये कि वो जो बंदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा और उसके ऊपर उसको काम भी ना करने दे, उसको काम दे भी ना करने को, उसको टास्क भी ना साइन करे, यही सोचे कि इसने तो काम करना नहीं, ऐसा नहीं है. और जो दो बंदे बेचारे काम कर रहे हैं उनको ही सारा कुछ कहिए कि चलो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, इनको और काम दीजिए ताकि मेरा काम तो कंप्लीट हो. इस तरह का काम जो है वो एक टीम लीडर को नहीं करना चाहिए. टीम लीडर है उसका काम ये है कि उसने जो भी अगर पांच मेंबर्स हैं तो पांच को इक्वली टास्क असाइन हो, उनको डेडलाइंस दी जाए कि ये आप लोगों के टास्क हैं, आप लोगों ने करने हैं, आप लोग इनको करेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे. तो इस तरह से जो है वर्कलोड को एक बैलेंस में रखकर जो है वो डिवाइड करना चाहिए, ना कि अपनी आसानी देखने के मेरा काम अगर जल्दी हो रहा है तो मैं अगर इस बच्चे को दे दूं तो मेरा काम जल्दी कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छा जी, अगली चीज अब आपके पास आती है कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन में क्या है, a number of techniques have been developed to promote communication in healthcare, including कुछ techniques हैं जो कि आपके हेल्थ केयर में कम्युनिकेशन के लिए डेवलप की गई हैं, उनके कुछ एब्रीवेशन है. उसमें सबसे पहले SBAR आता है, वो है सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन. यानी कि कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आप लोगों ने चीजें जो है वो किस तरह से देखनी है, सिचुएशंस को देखना है, तो सिचुएशन का बैकग्राउंड देखना है, फिर उसको असेस करना है, उसके बाद आपने अपने से रिलेटेड जो सिचुएशन से रिलेटेड को रिकमेंडेशन है आपने वो प्रोवाइड करनी है. फिर अब आपके पास एक जो टेक्निक आती है वो कॉल आउट किया. कॉल आउट से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा जिसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव है या आपको पसंद नहीं आ रहा है फॉर जेन्युइन रीजंस, ये नहीं कि किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है तो आप उसको कॉल आउट करें, इस तरह नहीं है, लेकिन फॉर जेन्युइन रीजन अगर आप उसके बिहेवियर के साथ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसको जो है वो ये बात कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि मैं ये नहीं, तुम्हारी इस परफॉर्मेंस है या तुम्हारे बिहेवियर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. फिर चेक बैक है जी, आपने उस पर चेक बैक रखना है, देखना है कि क्या हो रहा है, कम्युनिकेट आपस में किस तरह से करना है. अगर आपको आपके अंडर कोई बंदा है और आप एक टास्क दिया गया है कि आपने इस बंदे को मॉनिटर करना है, तो आप उस पर पूरा चेक रखें. हैंड ओवर है कि जी आप जो आपकी ये ड्यूटी है, आप एक टीम में काम करें, अगर एक काम आपकी तरफ से खत्म हो जाता है तो आप उसको, अगर आपने देखना है कि आपकी तरफ काम कंप्लीट है तो ठीक है, जहां पे आपकी जो है वो एक ये समझ लेंगे आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब ये काम अभी आपके जिम्मे का नहीं रह गया, अभी ये काम किसी और मेंबर को करना चाहिए, तो आप उसको हैंड ओवर करना चाहिए आपको. तो इन चीजों के लिए आपके पास जो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. अच्छा जी, फिर चीज आती है मैम, जो फर्स्ट पॉइंट था वो यहाँ पे क्यों आया, मतलब यहाँ इस मैम ये जो था ना SBAR सिचुएशन मैम, ये यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन के अंदर कैसे आएगा? कम्युनिकेशन के बीच में इस तरह से आएगा कि आप यानी आपस में कम्युनिकेट किस तरह करोगे. कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने वो सिचुएशन सपोज करो, आप लोग चलो आप एक क्लास में ही हो, आपकी क्लास में को हालात चल रही है, आपस में खराब हो जाते हैं, ठीक है जी, आप ये नहीं एक दूसरे से, अब आपको आप खुद हो, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है कि क्लास में मसला क्या चल रहा है, ठीक है, आप बड़े दिनों बाद क्लास में आए हो, आपको नहीं पता कि हो क्या रहा है, आपने बस ये देखा कि चार लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप आगे बीच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल देते हो, आप कहते हो हाँ हाँ नहीं ये सही कह रहा है, नहीं वो सही कह रहा है, ठीक है. तो इस तरह का काम आपने नहीं करना. SBAR से मुराद ये है कि आपने पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है,
सिचुएशन का बैकग्राउंड देखना है कि क्या उसमें हो रहा है, फिर उसकी असेसमेंट करनी है कि इसमें से अगर ये चार बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें से कौन बंदा वाकई सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, और फिर उस हिसाब से आपने उसको रिकमेंडेशन देनी है कि नहीं इस तरह से हमें अगर हम इस चीज को ऐसे लेके चले तो हम ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, फिर आप अपनी रिकमेंडेशन दें। ये नहीं है कि आप एक हफ्ते बाद क्लास में आए और वही चार लोग लड़ रहे हैं और आप आके दो की साइड लेना शुरू कर दें और आपको पीछे किसी चीज का पता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आया कि कम्युनिकेशन के लिए ये चीज जरूरी है कि आप यानी कम्युनिकेशन से मुराद ये नहीं कि आपने बोलना कैसे, कम्युनिकेशन से मुराद ये कि आपने बोलना क्या है और कैसे है। ठीक है, मैम ये जो कॉल आउट था इसमें यही था ना कि वो जो आपने अगले बंदे को ये बताना है कि तुम कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। हाँ, कहाँ पे गलत हो, अगर किसी का बिहेवियर जो है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसको ये बताओ कि मुझे नहीं अच्छा लगा ये तुमने, अगर मुझे तुमने मेरे से बात इस तरह से की है, या चलो अपनी पर्सनल चीजें छोड़ दो कि तुमने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, अगर तुम अपना काम ठीक तरीके से कर लेते तो हमें आज ये प्रॉब्लम ना देखनी पड़ती। मतलब ये नहीं है कि आप उस बेचारे ने चलो अगर अपना काम नहीं भी किया तो आप उसको कुछ कहने के बजाय आप जाके जो आपकी टीम के बाकी पांच लोग हो, आपकी टीम के उसमें से आप बाकी तीन को जाके कह रहे हो कि देखो उसने अपना काम नहीं किया, उसको करना चाहिए था, अगर वो कर देता तो ये ना होता। ठीक है, ये कहने के बजाय आपस में आप डिस्कस कर रहे हो, उस बेचारे की इज्जत भी खराब कर रहे हो, आपस में ये नहीं उसको डिस्कस भी कर रहे हो, उसकी इज्जत भी कर रहे हो, बुराइयां भी कर रहे हो। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जाके डायरेक्ट उस बंदे से भी कर सकते हो कि भाई अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मुझे पसंद नहीं आया कि तुमने काम क्यों नहीं किया, तुम कर लेते तो हमारे हालात बेहतर होते, हम ठीक हो जाते। इस तरह करके यानी जिस बंदे के साथ आपको प्रॉब्लम है आप उसको कॉल आउट करो। कॉल आउट से मुराद ये भी नहीं है, अब आज के जैसे हमारे जो सोशल मीडिया पे कॉलिंग आउट का जो सिस्टम चल रहा है ये वो वाला कॉलिंग आउट नहीं है कि आप एकदम ही किसी को पकड़ के जो है वो उसको बाकायदा से जो है वो उसको मतलब उसकी इज्जत को उछाल दो, इस तरह वाला कॉल आउट करना नहीं है। कॉल आउट करने से मुराद ये कि आप उसे डायरेक्टली उस पर्सन से बात करो और आप उससे इस चीज को डिस्कस करो। चलें जी, अब आपके पास जो अगली चीज आती है वो है रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि आपके जो डिसएग्रीमेंट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपने उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। अ नंबर ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प ऑल मेंबर्स ऑफ अ टीम स्पीक आउट, इंक्लूडिंग के टीम स्पीक आउट के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि डेवलप की गई हैं सारे मेंबर्स के लिए कि उन्होंने किस तरह से जो है उनके अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं या उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्होंने उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। इसमें अब आपके पास ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले द टू चैलेंज रूल है, इसमें क्या है, allows one crew member to automatically assume the duties of another crew member who fails to respond to two consecutive challenges. अब इसमें क्या है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आपको डिसएग्रीमेंट आ गया है, अब इसमें क्या करेंगे, आप टू चैलेंज रूल दे देंगे। टू चैलेंज रूल का क्या मतलब है कि आपको जो एक क्रू मेंबर है उसको आप ये कहेंगे कि वो जो है ऑटोमेटिकली जो दूसरे बंदे को जिसके जिसके साथ उसका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है, जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो कहेगा कि तुम उसकी ड्यूटीज करके देखो। ठीक है जी, और फिर देखो कि जो यही वाले चैलेंजेस तुम्हें भी आ रहे हैं और इन चीजों को फिर समझने की आपस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और इस तरीके से आप अपनी जो भी आपकी डिसएग्रीमेंट है जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहे हैं, अगर एक बंदा कह रहा है कि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो ये वो दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो आसान सा है, तो आप उसी बंदे को चलो तुम इसकी ड्यूटी मतलब करके देख लो, अगर तुम इसका रोल जो है वो ज़ूम करके देखोगे तो हो सकता है कि तुम भी यही चीजें फेस करो। तो इस तरीके से अगर तुम ये चीजें फेस करोगे तो तुम लोगों का आपस का जो ये मसला है जो एक दूसरे को तुम लोग कह रहे हो तो तुम लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, एक चीज आपके पास ये आती है। फिर अगले जो आपके पास चीज आती है वो CUS या DESC स्क्रिप्ट्स हैं, इनको हम आगे देखते हैं ये क्या है। अच्छा जी, टेक्निक्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में जो एक चीज आपके पास आ रही है वो CUS है। CUS में क्या चीज है कि आई एम कंसर्न, यू से मुराद क्या है कि आई एम अनकंफर्टेबल, और एस से मुराद ये है कि आई डू नॉट थिंक द करंट सिचुएशन इज सेफ। कंसर्न, अनकंफर्टेबल एंड सेफ, ये तीन चीजें इसके बीच में आ रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए क्या है, द COS इज अ सिग्नल फ्रेज, यानी आपके पास एक सिग्नल फ्रेज है, इट इज लाइक अ रेड लाइट दैट आस्क द पर्सन ऑपोजिट टू स्टॉप एंड लिसन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि जो आपका पर्सन है जो आपके ऑपोजिट है आप उसको यानी एक रेड सिग्नल दे रहे हो, एक रेड लाइट दे रहे हो कि सुनो रुक जाओ मेरी बात सुनो और उसके बाद जो है तुम अपनी जो है जो भी तुमने काम करना है उसके अकॉर्डिंगली तुम एक्ट करो। इफ द रिसिपियंट ऑफ द CUS सिग्नल इग्नोर्स और डिसरिगार्ड्स द सिग्नल इट इज डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड देन यू नीड टू इवोक द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब अगली टेक्निक आपके पास इसमें क्या आएगी कि अगर जो आपका CUS सिग्नल का जो रिसिपियंट है, ठीक है, अगर वो आपके सिग्नल को अगर आप उसको कह रहे हो कि ये काम मतलब मुझे डर लग रहा है कि ये काम तुम सही नहीं कर रहे हो तो वो आपके सिग्नल को इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है, वो नहीं मान रहा है इस चीज को, और ये इस तरह का जो बिहेवियर है बेसिकली डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इसको कहेंगे या इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहेंगे। और उसके बाद अब आपने जो अगली टेक्निक इम्प्लॉय करनी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की है। अगली चीज जो DESC स्क्रिप्ट है, इट इज यूजफुल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें DESC में क्या है कि डिस्क्राइब, E से एक्सप्रेस, S से क्या बनता है स्पेसिफाई, एंड C से क्या बनता है कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्क्राइब से क्या मतलब है कि आप
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए डिस्क्राइब व्हाट यू वांट, डिस्क्राइब करें कि आपको क्या चाहिए, हाउ यू सी द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली एंड फैक्चुअली, कि जो भी सिचुएशन है आप इसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली किस तरह देख रहे हैं और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप इसको किस तरह से देख रहे हैं. सबसे पहले आपने उस चीज को डिस्क्राइब करना है. अगली चीज, आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट द सिचुएशन एंड व्हाई यू फील दैट वे. कि अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में बात कर ही रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है या ये वैसी सिचुएशन है, तो आप इसके बारे में एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, अपनी फीलिंग्स आप बताएंगे तो अगले बंदे को समझ आएगी ना. जब तक एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो अगले बंदे को क्या पता कि क्या चल रहा है पीछे. ठीक है जी, एक ये चीज आती है. फिर आपके पास स्पेसिफाई, ऐसे स्पेसिफाई है, स्पेसिफाई द एक्शन यू थिंक शुड बी टेकन एंड व्हाई. अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई हमें ये वाला एक्शन लेना चाहिए, हमें ये वाला टास्क परफॉर्म करना चाहिए, तो आप उसको एक्सप्लेन करें, अपने जो भी आपका आप जिस तरह की भी थिंकिंग है उसको स्पेसिफाई करें और उसको बताएं, उसकी रीजन बताएं कि ये वाला एक्शन आपको क्यों लेना चाहिए और उसकी वजह क्या है. ठीक है जी, इस तरह से भी आप यानी अपने आप को बेटर एक पोजीशन में होंगे अपने आप को एक्सप्लेन करने के. फिर जो अगली चीज आपके पास आती है वो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, यानी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग. कॉन्सिक्वेंसेज में ये चीज आते हैं, अब आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कि या तो आप वो काम कर भी सकते हैं या और नॉट डूइंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग. अगर आप जो भी लोग हैं जिनको आप सारा कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, जिनके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी बात मान रहे या नहीं मान रहे. अगर नहीं मान रहे, हो सकता है इससे इनको नुकसान हो जाए, हो सकता है आपका मशवरा गलत हो गया, ये मान के उनको नुकसान हो जाए. तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आती हैं, कि आपने सिचुएशन को पहले डिस्क्राइब करना है, आप खुद क्या चाह रहे हो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आपने एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स. अगर आप कोई स्पेसिफिक एक्शन लेना चाह रहे हो तो आप क्यों लेना चाह रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो ये चीजें जब आपको पता होंगी, आप एक स्टेप वाइज मैनर में चलोगे, तो फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको जो है वो देख सकते हो. इवन ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर आप अपने फ्रेंड्स में भी, जो आपके कोई थोड़े बहुत जिस तरह के लड़ाई झगड़े अगर हो जाते हैं, तो अगर ये वाली जो अप्रोच है अगर ये आप उसमें भी अप्लाई करके देखो, तो आप लोगों को काफी फायदा होगा कि एटलीस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि आप क्या बात कर रहे हो, और अगर आपको बात करो तो क्यों करे, और अगर एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए तो आपको किस तरह से लेना चाहिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए कि अगर मैं ये बात इसको करूंगा तो ये आगे से मेरे ऊपर किस तरह से आ सकती है या उस बंदे के ऊपर किस तरह से जा सकती है. दोनों तरफ के कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखे हैं. तो ये चीजें जो है ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द पेशेंट सेफ्टी पर्पस, ये हमारे अपनी जो पर्सनल लाइफ है उनके लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके फ्रेंड्स के बीच में जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स कोई भी होंगे, आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो. अच्छा, फिर अगली चीज आपके पास आती है जी, बैरियर्स टू टीम वर्क. अब ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो कि आपकी, जब भी हमने टीम की इतनी तारीफें की हैं, तो ये काम किन बैरियर्स की वजह से रुक सकता है. टीम वर्क है, उसने टीम ने जो है इफेक्टिवली काम करना, तो ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो उसको काम करने से रोक सकते हैं. उसमें अब आपके पास चेंजिंग रोल्स हैं, फिर मेडिकल हायरार्कीज हैं, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मेडिसिन है, या इंस्टेबिलिटी नेचर ऑफ टीम है. चेंजिंग रोल्स हम मुराद ये है, ये जो है जो लोग हैं जो डेजिग्नेटेड जिनको जिन जगहों पर होना चाहिए वो ये काम नहीं कर रहे हैं. मेडिकल हायरार्कीज हैं, उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मेडिसिन है, इंस्टेबिलिटी नेचर ऑफ टीम है, यानी टीम भी आपकी इंस्टेबल नहीं है. जो मेडिसिन है आपकी, उसकी भी जरा जो नेचर है वो इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की है, यानी हर बंदा जो है वो अपने आप को थोड़ा सा वो कर सकता है कि मैं शायद ज्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ. मेडिकल हायरार्कीज इसके बीच में आ जाती है, तो ये सारी चीजें जो आपकी इसमें इंक्लूडेड है. इंसिडेंट्स इन अदर इंडस्ट्रीज, अब अगर हम अदर इंडस्ट्रीज से थोड़ी एग्जाम्पल ले लें, फेलियर्स इन द फॉलोइंग टीम बिहेवियर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स इन अदर इंडस्ट्रीज. अगर जो टीम बिहेवियर्स अभी हम लोगों ने देखे हैं, अगर आगे भी हम देखते हैं कि अगर ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर क्या क्या इंसिडेंट्स जो हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर. रोल्स नॉट बीइंग क्लियरली डिफाइंड, रोल्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता उसने क्या काम करना है, हर बंदा अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा है. लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेशन, यानी आपकी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन है ही नहीं. ठीक है जी, यानी अब आप लोगों को अगर वही बात है कि जैसे अगर एक डिपार्टमेंट चल रहा है, अगर चलो हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर को चलो हम छोड़ देते हैं, अगर हम यही एचआर की बात ही कर लेते हैं या किसी और डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनको नहीं पता होगा कि किस बच्चे की इनरोलमेंट होनी है नहीं होनी, वो एक बच्चा को दो दो तीन दफा इनरोल कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बेसिकली आपके लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आ रही हैं. मिसकम्युनिकेशन है कि उनके आपस में कोई बातचीत नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हम लोगों ने जो है वो काम किस तरह से करना है या हम किस तरह से उन चीजों को लेके चल रहे हैं. ठीक है जी, इस तरह हर डिपार्टमेंट में जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है उनको आप रिजोल्व कर सकते हो, अगर आप एक प्रॉपर जो इफेक्टिव टीम के जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको आप साथ लेके चलते हो. असेसिंग टीम परफॉर्मेंस, जो टीम परफॉर्मेंस है उसको आप असेस कैसे कर सकते हो.
इट कैन बी कैरिड आउट इन द वर्कप्लेस वर्कप्लेस में आप जो भी आपकी टीम परफॉर्मेंस है उसको असेस कर सकते हो इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स. कुछ एनवायरनमेंट्स सिमुलेटेड से मुराद है कि सिमुलेशंस बनाई जाती हैं. इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट जो है वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसमें जो है वो टीम को छोटे छोटे टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए कि बाकी इस तरह से काम करें कि नहीं करें थ्रू ऑब्जर्विंग टीम वर्क एक्सरसाइजेस. कि आप जो है टीम वर्क की एक्सरसाइजेस में कुछ वो उनको दें, एक्सरसाइजेस करने को दें, वो उनको करें, आप उनको ऑब्जर्व करें, ठीक है जी, उनको देखें, उनको सारा मॉनिटर करेंगे किस तरह से हो रही है. टीम वर्क कैन बी असेस्ड बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और बाय पीयर ऑब्जर्वेशंस. अब ये क्या है, एक तो चीजें हो गई कि परफॉर्मेंस जो है आप विद इन द वर्क प्लेस एक तो उनको मॉनिटर कर सकते हो. एक फिर तरीका याद है जो टीम परफॉर्मेंस है उसको देखने का कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो है वो देखें कि आपकी टीम कैसा काम कर रही है. ठीक है, आप जैसे अगर हम सपोज करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी है तो बाहर से जो लोग हैं, सपोज करें आपके पास HEC है, वो बाहर से जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर रही है कि आपकी यूनिवर्सिटी में लोग कैसे काम करें, आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स कैसे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी कैसी है, सारी चीजें जो है ये नहीं आपके समझ लो कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हुए या फिर ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं जो आपकी ही लेवल की जो बाकी यूनिवर्सिटीज है वो आपको देख रही है कि आपकी टीम कैसे काम कर रही है, और फिर आप उनकी टीम को देख रहे हो कि उनकी टीम कैसे काम कर रही है. ठीक है, तो टीम परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए भी इस तरह से आपके पास डिफरेंट कुछ तरीके हैं जिनके साथ आप उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो. अच्छा जी, समरी. अब सारी जो हमारी कहानी थी समरी क्या थी कि टीम वर्क डजंट जस्ट हैपन, कि टीम वर्क इस तरह से नहीं होता, ठीक है कि बस हो गया. देर आर वेल डॉक्यूमेंटेड टीम वर्क प्रिंसिपल, मेडिकल स्टूडेंट शुड नो. अब आपके पास कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड टीम वर्क प्रिंसिपल्स आ गए हैं जो भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किए हैं कि आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी, कि आपस में कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, टीम बनती किस तरह से है, टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये चीजें. There are a variety of techniques that have been developed to improve communication in teams. अब काफी आपके पास इस तरह की techniques हैं that have been developed to improve the communication in teams, के जो team है उसकी communication किस तरह improve हो सकती है. Performance requirement क्या है आप लोगों से कि medical student can apply teamwork principles in their interaction with other students and through observing and being part of healthcare. अब आप लोग being a medical student teamwork principles को एक तो जो आपके बाकी जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो बात मैंने की कि आप लोग जो आप मतलब फ्रेंड्स हैं या जो फ्रेंड्स नहीं भी हैं जिनको आप नहीं भी जानते हो आपकी क्लास में वो लोग भी हैं, आप उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, एक तो वो चीज़ इसमें आएगी. ठीक है जी, आपको चाहिए कि आप जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी आप उनको अप्लाई करें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, स्पेशली जो है वो इंप्रूवमेंट लेकर आए. और ये कि आप जो बाकी कुछ हेल्थ केयर टीम्स जहाँ पर अगर आप सपोज करें आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, आप उनके जॉब कर रहे हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व करें और या तो आप उनके पार्ट बन के आप देखें कि जो टीम है वो किस तरह काम कर रही है. कुछ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी टीम बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उनको देखेंगे वो किस तरह से काम कर रही है. अच्छा जी, फिर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स. मेडिकल स्टूडेंट कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ नाउ टू इम्प्रूव टीम वर्क इंक्लूड. अब कुछ आपके पास जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो क्या है कि ऑलवेज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू द टीम, आप हमेशा टीम को इंट्रोड्यूस कराएं, अपने आप से इंट्रोड्यूस कराएं, रीडिंग बैक या क्लोजिंग द कम्युनिकेशन लूप, यानी जो भी आपके पास कम्युनिकेशन लूप है उसको जो है वो आप क्लोज करें. ठीक है जी, यानी एक चीजें अगर लूप में चल रही हैं आप ये कि जो बंदा स्पेसिफाइड है एक चीज के लिए अगर इस बंदे से ही कम्युनिकेट करना है तो आपको उसी से कम्युनिकेट करना है. स्टेटिंग द ऑब्वियस टू अवॉइड अजम्पशंस, कि जो भी अजम्पशंस एक दूसरे के बारे में क्रिएट करने से बेहतर है कि जो चीज ऑब्वियस है जो नजर आ रही है आप उसी को स्टेट करें. आस्किंग क्वेश्चंस, चेकिंग एंड क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें, चेक करें, उनको क्लैरिफाई करें. डेलीगेटिंग टास्क टू पीपल नॉट टू द एयर, ये कि आप जो टास्क हैं वो लोगों को ही असाइन किए जाएं, हवा में ना असाइन किए जाएं. ठीक है जी, ताकि आपकी जो टीम वर्क है उसको आप इम्प्रूव कर सकें. क्लैरिफाइंग योर रोल, जो आपका रोल है एक टीम में आपको भी पता होना चाहिए कि क्या रोल है, जो आपके टीम के लीडर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका क्या रोल है और आपको रोल कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक ये चीज होनी चाहिए. फिर यूजिंग ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, यानी सब्जेक्टिव लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी. इससे मुराद ये है कि आपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है. लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे सिर्फ आपकी जुबान नहीं है, यहाँ से लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है. ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखें अपने काम जो है वो कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी जिसमें आप कर सकते हैं और उसको एक बेटर तरीके से करने की कोशिश करें एज कम्पेयर टू आप चीज़ों को खींची जाए. ठीक है जी, कुछ ये चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आती हैं. इसके अलावा ये है कि लर्निंग एंड यूजिंग पीपल्स नेम, लोगों के नाम इस्तेमाल करना शुरू करें, उनको बुलाना शुरू करें. बींग असर्टिव व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ पर असर्टिव हो जाएं. इफ समथिंग डजंट मेक सेंस, अगर कुछ चीज सेंस आपको नहीं यानी आपके सामने बना रही है, मतलब कुछ चीज़ का मतलब नहीं बन रहा है, फाइंडिंग आउट द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये क्या चीज़ हुई, आप किसी और बंदे का पर्सपेक्टिव इस चीज़ से ले लेंगे, शायद उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ज्यादा अच्छे तरीके से बता दें.
डूइंग अ टीम ब्रीफिंग बिफोर अंडरटेकिंग अ टीम एक्टिविटी एंड अ डीब्रीफिंग आफ्टरवर्ड्स. ये है कि आप कोई भी अगर टीम एक्टिविटी आपकी हो रही है, आप उससे पहले उसकी जो है प्रॉपर एक ब्रीफिंग लें कि क्या हो रहा है, ठीक है जी. उसके बाद डीब्रीफिंग भी उसकी देखें कि भाई आफ्टरवर्ड्स यानी वो सारा कुछ हो गया तो उसके बाद क्या हुआ सारा कुछ वो भी देखें. When conflict occurs, concentrating on what is right for the patient, not who is right. जब भी कोई भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपके हेल्थ केयर में रिलेटेड या किसी भी चीज में रिलेटेड आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन आपकी इस चीज पर होनी चाहिए कि क्या सही है फॉर द पेशेंट. इस चीज पर होनी चाहिए कि कौन सही है फॉर द पेशेंट. यानी वो तो फिर रोल के ऊपर चला जाएगा कि जो अगर सपोज करें कि जो जितना बड़ा फिजिशियन है वो तो कहेगा मैं सही हूँ, जो छोटा अगर कोई फिजिशियन है या उसका जूनियर है वो उसकी बात तो वो नहीं मानेगा. इस चीज पर रहने के बजाय आपका जो एक पॉइंट है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो एक म्यूचुअल गोल है वो पेशेंट सेफ्टी है, तो आपने उसको देखना है. ठीक है जी, कुछ ये चीजें हैं. और यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट था वो बताते हैं दोबारा, एक मिनट. सेकंड पॉइंट कौन सा मैम? जो असर्टिव वाला था. अच्छा एक मिनट, मैं स्लाइड्स में दोबारा खोल देती हूँ. अच्छा सेकंड पॉइंट ये था कि बीइंग असर्टिव व्हेन रिक्वायर्ड. बीइंग असर्टिव से मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अगर आप गलत ही कह रहे हैं किसी चीज पर. असर्टिव का मतलब यही होता है कि आप जो है वो अपनी किसी भी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है. जहां भी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि सारे लोग जो है वो एक तरफ हो गए हैं और वो बात सही नहीं है, और अगर लेकिन आप जो उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके लिए वो चीज सही है, तो आप उस अपनी बात के ऊपर पके रहें. आप कहेंगे नहीं मैं हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ, आप पॉजिटिव रहें, आप डिसाइसिव रहें इस चीज के बीच में. अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया और आपके अकॉर्डिंग वो सही है, आपने सारी फैक्टर्स को भी बीच में देख लिया, आपके अकॉर्डिंग वो चीज बिल्कुल सही है, तो आपको फिर अपनी उस चीज के ऊपर जो है जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहां पे आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज से रिलेटेड जो है वो असर्टिव रहें. ठीक है जी, एक ये चीज हो जाती है. मैम वो जो स्टार्टिंग में मॉडल थे तीन, इंडिपेंडेंट वाला था और मैम जो लास्ट वाला फोर्थ था वो जरा रिपीट करते हैं. पॉइंट आपका जो है, एक मिनट एक मिनट. मैम जो इंडिपेंडेंट वाला था और लास्ट वाला. अच्छा मॉडल्स के बीच में से, एक मिनट लेट मी ओपन. जी ये वाला पॉइंट इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेटिव. यस मैम. मैम इसमें और थर्ड वाले पॉइंट में तो सेम चीजें नहीं हो जाएंगी? नहीं इसमें सेम चीजें नहीं है. इसमें ये है जो थर्ड मॉडल है वो है कंसल्टेटिव मॉडल. कंसल्टेशन से मुराद ये है कि इसमें जो है अगर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जैसे अगर हम सपोज करेंगे हम कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं, ठीक है. अब वो जो आपका एक जो एक बड़ा कंसल्टेंट है, ठीक है, जो एक सिंगल प्रोवाइडर है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है एक अपने पेशेंट की वेलबींग की, ठीक है, वो अपने तौर पर जो है वो बाकियों से कंसल्ट करेगा कि क्या क्या जरूरी है पेशेंट के लिए, और उसके बाद जो है वो उस तरीके से लेकर चलेगा. यानी इस चीज में पेशेंट खुद नहीं इन्वॉल्व, पेशेंट जो है वो हर कंसल्टेंट के पास खुद से नहीं जा रहा, या हर कंसल्टेंट जो है वो पेशेंट के पास नहीं जा रहा. एक जो बंदा है जिसने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है वो जो है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करेगा और वो बाकियों से कंसल्ट करेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कोई बंदा कहेगा नहीं यार मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये देखा था कि इस पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना चाहिए. दूसरा बंदा कहेगा कि नहीं यहाँ हो सकता है कि इस पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट है तो हम इसको ऐसे ट्रीट, मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट करें. और लेकिन इसके बीच में जो आपका जो सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक प्रोवाइडर के पास है, सिर्फ उसी ने करना है. इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन में क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशंस के जो लोग हैं वो कोऑपरेट करेंगे. इसमें वो पेशेंट के पास भी जाएंगे, पेशेंट भी उसमें इन्वॉल्व होगा, पेशेंट की फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, उसको वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीजें जो है ये आपके पेशेंट के लिए जरूरी है, आप इनको करवा लें. और उसके बाद जाके जो कम्युनिकेट करेंगे उसके बाद जाके ऐसा एक मैनेजमेंट प्लान बनेगा और फिर आपके पास जाके जो पेशेंट या क्लाइंट की जो हेल्थ केयर नीड्स है वो पूरी होंगी.
मैम लेकिन जो इसमें बोला हुआ है ना कि डिफरेंट प्रोफेशंस, तो क्या मतलब एक थेरेपिस्ट होगा और एक सर्जन होगा इस तरह, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल के? हाँ एक मिनट देखो, आप इन सबको मिक्स ना करो। पैरेलल मल्टीडिसिप्लिनरी केयर की आप बात कर रहे थे ना, जिसमें हमने बात की थी कि वो सारा कुछ जो थेरेपीज वगैरह वो इकट्ठी हो रही है, उसमें ये चीज है कि उसमें आपके पास जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स है वो इंटीग्रेटेडली सॉल्व नहीं हो रही है, यानी सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। ये चीजें एक दूसरे के पैरेलल जरूर चल रही है लेकिन ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। ठीक नहीं है, नहीं मैम, फोर्थ वाले की बात कर रही हूँ कि जो फोर्थ वाले में हाँ है उसमें वो जो है ना कि डिफरेंट प्रोफेशंस कोऑपरेट करते हैं, तो मैम मतलब मेडिकल के डिफरेंट मतलब प्रोफेशनल्स इसी तरह ना कि थेरेपिस्ट और सर्जन और इस तरह मतलब सारे मिलके सारा एक वो टीम हाँ बना यार रहे वही हैं। बात है ना। अगर हाँ अगर आप इस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हो कि मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, आप ये पूछना चाह रहे हो। यस मैम, अच्छा, हमारे यहाँ पे बेटा इस समय सारे मॉडल्स चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंटर प्रोफेशनल कोलेबरेशन भी चल रही है। इंटर प्रोफेशनल कोलेबरेशन हमारी उन जगहों पे चल रही है जो कि बहुत बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और वहां पे पेशेंट्स की जो डिजीज कंडीशन है वो भी इस तरह की है कि उनको मल्टीपल जगहों से जरूरत है, ठीक है, कि लोगों की, कि वो आके उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान हो और उस पर जो है वो चले। इसमें आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल आ रही, तो आपकी शौकत खानम की आ जाती है, ठीक है, कि वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ साथ एक मिल के पेशेंट का मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं कि इस पेशेंट को हमने ये ट्रीटमेंट देना है, फिर हमने उसको कीमो देनी है, हमने उसको रेडियोथेरेपी देनी है, हमने उसको सर्जरी करनी है, सारी चीजें आपके साथ साथ चल रही हैं। ठीक है जी, तो मैम एक्चुअली बेसिक पॉइंट मैं यही पूछ रही हूँ कि जैसे देखें डिफरेंट प्रोफेशंस मतलब यहाँ पे वो चीज आती है ना कि जैसे एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक जैसे कोई भी जैसे फर्ज कर लें कोई सर्जन है, मतलब सारे जो मेडिकल के जो जितने भी डिसिप्लिन आते हैं वो सारे एक साथ आके कोलैबोरेट करके हाँ पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको देखते हैं ना। और जी इसमें जी मैम जी वो वाले डॉक्टर्स भी आ जाते हैं ना जो हम लोग बाहर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ उनसे कंसल्ट करते हैं, जैसे हमारे मुल्क के डॉक्टर्स है। हाँ वो चीजें भी आ सकते हैं अगर आप खुद इस चीज के बीच में इन्वॉल्व हो, ठीक है, यानी आप खुद आप यानी मतलब पेशेंट की फैमिली अगर है बीच में, वो इस चीज के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है जी, वो बाहर के कंसल्टेंट्स के साथ भी बात करिए तो वो चीज इसके बीच में आएगी। लेकिन अगर आपका डॉक्टर है सिर्फ, ठीक है, आपका एक फिजिशियन है, वो आपका मसला देख रहा है, उसको आपके मसले से रिलेटेड थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और फिर वो खुद बाहर के किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहा है और उसके बाद वो आपको अपने तौर पे ट्रीट कर रहा है, तो वो चीज आपके थर्ड वाले कंसल्टेटिव बिहेवियर में आएगी, कंसल्टेटिव मॉडल में। ठीक है, हुआ है कुछ क्लियर थोड़ा सा? यस मैम, और मैम बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था कि मैम जो इंडिपेंडेंट वाले में था फर्स्ट वाले में, उसमें सिर्फ एक जो प्रोवाइडर है वो ही सारा कुछ देख रहा था? हाँ जी, जो एक प्रोवाइडर है वही, अब जैसे आप सबसे बेसिक सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो आपके गांव वाले एरियाज में ही है। यहाँ पे अगर शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज का कि जिन एरियाज में बिल्कुल ही कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे तो बाद का डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता, तो वही जो कंपाउंडर सा या जो नर्स टाइप या कोई इस तरह का कोई बंदा वहां पे होगा तो वही सारे काम कर रहा होता है। क्योंकि अगर मतलब ज्यादा लोगों के मसले जैसे नॉर्मल है, खांसी बुखार जुकाम वाले मसले हैं, तो वही डॉक्टर बन के उनको जनरल दवाइयां भी लिख के दे रहा होता है। ये चीज बहुत गलत है, ये चीज कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन ये इस तरह भी हो रहा होता है। अगर इसको मतलब अच्छे तरीके से देखो तो बाजूका अक्सर जो रूरल एरियाज है वहां पे इस तरह भी है कि गवर्नमेंट ने ही कुछ इस तरह के बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए हुए, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स है जहाँ पे उन्होंने एक एक डॉक्टर रखा हुआ है, ठीक है, वो उस डॉक्टर ने ही बेसिकली पूरे अपने डिपार्टमेंट को पूरे सिस्टम को चलाना होता है, वही सब कुछ देख रहा होता है, वही सब कुछ कर रहा है, सिंगल बंदा है वो कर रहा है। ठीक है जी यस मैम, थैंक यू मैम। जी किसी और का कोई क्वेश्चन किसी चीज से रिलेटेड? अच्छा, आप लोगों की ये है कि मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि आप लोग मतलब आज भी क्लास में 85 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 137 138 के करीब है, तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर्स में क्यों नहीं आ रहे? अब अगर कुछ स्टूडेंट्स ये कहें कि हमें पता नहीं है या कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है, मैं जब मैम अटेंडेंस लगाती क्लास हूँ। में मैम शुरू में 100 हो गए थे।
अब मुझे मेरे पास अभी या तो वो तो ये भी नहीं है कि उन लोगों ने ये मतलब कोर्स छोड़ दिया है, वो मतलब किसी और टीचर के साथ कोर्स ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो वो अभी भी इनरोल्ड है, ठीक है, और मेरे पास वो मेरे LMS पे मेरे भी शो हो रहे हैं, मेरे पोर्टल पे भी वो शो हो रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट, अगर आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है आपस में भी, मैं खैर एक ईमेल भी फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन अगर आप लोगों का भी कोई इस तरह का ग्रुप बना हुआ है तो आप लोग ये चीज कम्युनिकेट कर दें, क्योंकि मैं अटेंडेंस देख रही हूँ, वही बच्चे जिन्होंने शुरू वाला एक आधा लेक्चर लिया था वो बाद में आके ये कह देते हैं कि मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि क्लासेज हो रही है, तो ऐसा जो है वो नहीं चलेगा। अटेंडेंस में देखकर ही लगा रही हूँ, जिन बच्चों की भी लगा रही हूँ, तो मतलब बाद में आप लोगों के स्पेशली उन बच्चों को जिनकी किसी एक आधे लेक्चर में भी अटेंडेंस लगी हुई है और बाद में उन्होंने ये बात की है, तो उन बच्चों को तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो आप इस चीज का खुद इंतजाम कर लें, जो अगर नहीं क्लास में आते हो क्लास में आया करें, लेक्चर लिया करें, उसके बाद उनकी जो है वो अटेंडेंस देखी जाएगी। जी चलें जी, ठीक है, लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सही है। मैम मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, आपने मेरी एब्सेंट लगाई हुई है। मैं चेक कर लेती हूँ, एब्सेंट इस तरह हो नहीं सकता कि आपने लेक्चर लिया और मैंने एब्सेंट लगाई हो। कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने अगर एक घंटे का लेक्चर होता है या चलो आधे घंटे का भी होता है, तो उसमें से सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का लेक्चर लिया होता है, तो उन बच्चों की मैं जरूर एब्सेंट लगाती हूँ, उनके आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक दफा आपकी भी टाइमिंग देख लूंगी कि आपने कितनी देर का लेक्चर लिया हुआ है। अगर एक घंटे का लेक्चर होता है तो एटलीस्ट 15 मिनट या 20 मिनट का लेक्चर तो लिया होना, तो उसके बाद ही कुछ बनता है प्रेजेंट होना या ना होना, ठीक है। तो मैं जरा उस चीज पे फोकस करती हूँ। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।